नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, आवर फोकस। इफ यू फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज इट मैनिफेस्ट, इफ यू फोकस ऑन डिफिकल्टीज इट मल्टीप्लाइज, इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स इट इंक्रीजेस, इफ यू फोकस ऑन सॉल्यूशंस इट इंक्रीजेस। तो आपका फोकस किधर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज पे या डिफिकल्टीज पे, प्रॉब्लम्स पे या सॉल्यूशंस पे। एक कहावत है कि एनर्जी फ्लोस हायर फोकस गोस, यानी आपका फोकस जिधर जाएगा उधर ही आपका एनर्जी फ्लो होगा, यानी आपका फोकस इज मच मोर इम्पोर्टेंट और आपका फोकस आपका अमानत है, आपका धरोहर है। उसको आप किधर इस्तेमाल करना चाहोगे, किधर यूज करना चाहोगे, ये आपका पर्सनल डिसीशन है। क्या आप नए नए अपॉर्चुनिटीज पे उसको इस्तेमाल करना चाहोगे, या कुछ नया करने से पहले क्या क्या डिफिकल्टी आते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये काम मैं नया कभी किया नहीं है जिंदगी में, ना ही मेरे बाप दादा ने किया है, तो मैं कैसे करूं। ये करने से ये प्रॉब्लम्स होता है, ये होता है, वो होता है। तो कभी भी आप उस काम के सक्सेस चख नहीं पाओगे। डिफिकल्टीज हमेशा आपके चारों ओर घिरे हुए रहेंगे। तो ये आपका चॉइस है कि आप अपना फोकस, जो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये दूसरे का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर है। और ये जो फोकस है, वो फोकस काफी हद तक डिपेंड करता है क्लटरिंग और डिक्लटरिंग आवर माइंड, यानी हमारा माइंड जितना गार्बेजेस से भरा रहेगा, जितना नेसेसरी एज वेल एज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ रहेगा, तो क्या होगा, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस हमारे दिमाग में अगर रहेंगे, उसमें से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस होंगे, कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस होंगे। तो जब हम कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशंस को गो थ्रू करने का कोशिश करेंगे, तो हमारा जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस है, उस फाइल्स को हमें ओवरकम करके नेसेसरी फाइल्स जो हमारे दिमाग में है उसके ऊपर फोकस करने के लिए काफी टाइम जाएगा। इसीलिए ज्यादा दिमाग को ज्यादा क्लटर्स नहीं करना है, उसको जितना हो सके डिक्लटर करना है। आप जितना ज्यादा डिक्लटर करोगे अपने माइंड को, उतना ही हमारा माइंड शांत रहेगा, कूल रहेगा, एंड हम जब भी किसी काम के लिए फोकस करने चाहेंगे तो हम इजीली उस काम के तरफ फोकस कर पाएंगे। नहीं तो कुछ काम करने के लिए फोकस करने जाएंगे और 10 बातें हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, तो हमारा फोकस डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, एंड उस काम के तरफ पूरा का पूरा 100% नहीं आएगा। इसीलिए फोकस तभी हम कर पाएंगे जब हमारा माइंड को ज्यादा डिक्लटर कर पाएंगे, कचरा मुक्त कर पाएंगे। अभी कचरा क्या है, ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का कचरा किसी का अमानत हो सकता है और किसी का अमानत और किसी के लिए कचरे हो सकते हैं। कोई किसी का जो अमानत है और किसी के लिए ये बियॉन्ड इमेजिनेशन भी हो सकता है। बट आपके लिए जो भी अमानत है और आपके लिए जो भी कचरा है, उसको सेग्रीगेट करके कचरे को डस्टबिन में डाल के फेंक देना चाहिए। जैसे मोबाइल में हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो अच्छे अच्छे फोटो है उसको हम संभाल के रखते हैं, लेकिन जो फोटो हमारे पसंद के नहीं है वो हम इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारा मोबाइल का जो मेमोरी है हल्का हो पाए। हम नेसेसरी फोटोज एंड अननेसेसरी फोटोज, नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मोबाइल पे
रखते नहीं है। अगर उसको सबको एक ही जगह पे रखने के लिए जाएंगे, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मोबाइल का मेमोरी फुल हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, अननेसेसरी फोटोज, अननेसेसरी व्हाट्सएप इंफॉर्मेशंस, अननेसेसरी वीडियोस सब हमें डिलीट करना पड़ता है एक एक करके। सिमिलरली हमारे माइंड को भी रेगुलर बेसिस पे डिक्लटर करना चाहिए ताकि हमारा माइंड शांत हो जाए एंड हम फोकस कर पाए। फोकस कहाँ पे करना है, जहाँ पे आप कुछ आउटपुट, बेटर आउटपुट निकालना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, वहां पे फोकस करने के लिए हमारा माइंड को डिक्लटर करना पड़ेगा। तो ये जो कहावत है, इफ यू फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज इट इंक्रीजेस, इफ यू फोकस ऑन डिफिकल्टीज इट मल्टीप्लाइज, यानी आपके माइंड में अगर कचरा भरा हुआ है, सपोज किसी का प्रॉब्लम्स हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसका ये डिफिकल्टीज आया है, वो अगर हमारा माइंड में रहेगा तो हम अगर कुछ करने के सोचेंगे तो ऑल दोज डिफिकल्टीज हमारे सामने आ जाएगा। मिस्टर एक्स का तो ये प्रॉब्लम्स हुआ, वो कर नहीं पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आपके दिमाग में अगर वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो आप डिफिकल्टीज पे फोकस ना करते हुए अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। सिमिलरली प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करते हुए सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे अच्छे अच्छे किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखने चाहिए, मोटिवेटिंग वीडियोस देखना चाहिए, मोटिवेटिंग आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, जो भी आपका मोटिवेशनल गुरु या गुरुज है उनको रेगुलर बेसिस में उन लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए। जिम रोन का एक फेमस कोट है कि यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद, यानी आप जिस पांच लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उनके एवरेज के जैसा ही आप हो जाओगे। दैट बीइंग द केस, क्या आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहोगे या नालायक निकम्मे लोगों के साथ एसोसिएशंस ज्यादा रखना चाहोगे। आज के सोशल मीडिया जमाने में इट इज वेरी इजी टू एसोसिएट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, वेदर हमारे इंडिया के हो या ग्लोबल्स हो। आज अगर हम मिस्टर टोनी रॉबिन्स के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब में अवेलेबल उनका वीडियोस हम रेगुलर बेसिस में देख सकते हैं। अगर हम जिम रॉन के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, अगर हम आपका संदीप महेश्वरी जी के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, रॉबिन शर्मा के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, जैक कैनफील्ड के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, आप आपके कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हो आपके हिसाब से उनके साथ एसोसिएट होना चाहो, तो किताब के थ्रू से, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू से, उनका पॉडकास्ट के थ्रू से रेगुलर बेसिस में आप एसोसिएट हो पाओगे, हो सकते हो एंड अपना एवरेज बढ़ा सकते हो। इसीलिए आपको आपका जो एसोसिएशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। एसोसिएशंस को आप स्केल अप करोगे तो आपका फोकस भी इजीली सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा रेदर देन द प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो व्हेयर एनर्जी गोज, व्हेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोस। आप अपना फोकस किधर डालना चाहते हो, प्रॉब्लम्स की तरफ या सॉल्यूशंस की तरफ। सो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।